आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। गोलागिरी की छोटी काशी गोला के गोकर्णनाथ के शिव मंदिर में सावन के सातवें सोमवार को शिव मंदिर में रविवार की रात से सोमवार तक 3 से 4 लाख शिव मंदिर में श्रद्धालुओं व कांवरियों ने दर्शन किए हैं। गोला शिव मंदिर में खड़ेश्वरी कवारथी डाकघर डाक कांवर की नगर पालिका प्रशासन पुलिस प्रशासन ने अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि खड़ेश्वरी कांवर जो भी कांवरियां लाता है वो झुकेगी नहीं। खड़े खड़े ही कांवर शिव मंदिर में होकर परिक्रमा कर तत्पश्चात पूजा कर जल अभिषेक किया जाता है और डाक कांवर जो आती है वो रोकते नहीं है। उसे पुलिस ने सभी के लिए एक ही रास्ता दिया है जिससे कि खड़ेश्वरी कार का डाक कांवर्थियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। डाक कांवर व खड़ेश्वरी कांवर के लिए दूसरे गेट से प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे खड़ेश्वरी कांवर का डाक कांवर वाले को रास्ता सुलभ हो जाएगी। श्रद्धालु ने नगर में सामाजिक कार्यों का होना आरंभ हुआ है और इसी के साथ साथ आपको मालूम हो कि गोला के सुविख्यात पौराणिक शिव मंदिर में श्रावण माह के उपरांत कांवरियों एवं श्रद्धालुओं का लाखों की संख्या में आना जाना लगा रहता है, जिससे पूरा गोला नगर बाबा महादेव के रंग में रंगा हुआ है दिखाई देता है। श्रावण के महापर्व में दूर दराज से श्रद्धालु अनेकों घाट से गंगा जल भरकर गोला नगर में उपस्थित शिव मंदिर पर जलाभिषेक करके पुण्य कमाते हैं। जैसे आपको बताते हैं कि पांचाल घाट, फरुखाबाद, ढाई घाट, जलालाबाद, बदायूं, कछला घाट, हरिद्वार, शारदा नदी, सरयू नदी, घाघरा नदी घाटों से जल भरकर भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं। सभी श्रद्धालुओं व कांवरिया भोलेनाथ से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। गोला नगर में सदर चौराहे पर सातवें सोमवार को लॉयंस क्लब के द्वारा कांवरियों पर पुष्प वर्षा की गई। इस बार श्रावण माह के सातवें सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जल अभिषेक किया है। सूत्रों की माने तो सातवें सोमवार में लगभग 3 से 4 लाख से भी अधिक तीर्थयात्रियों का आना बताया गया है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।